नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा रविवार को खातेगांव ब्लॉक के हरण गांव पहुंची और शिविर लगाकर आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अतिथियों को पुष्पहारों से ग्राम पंचायत हरण गांव द्वारा स्वागत किया गया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री का संदेश उपस्थित जनमानस को सुनाया गया और भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना आदि कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विभाग के प्रमुख द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संतोष काकड़िया ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था आपकी सरकार आपके द्वारा, और हमारा भी संकल्प है कि विकसित भारत कैसे बने। छोटे छोटे कारणों के कारण हम सरकार द्वारा संचालित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी कमियों को दूर कर शासन की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। इसलिए हम विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर हरण गांव पहुंचे हैं, ताकि जो लोग योजनाओं का लाभ से छूट गए हैं वह भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कैलाश सिंह यादव, उद्यानिक विभाग से आए ग्रामीण उद्यानिक विस्तार अधिकारी महेंद्र गुर्जर ने प्रधानमंत्री लघु सूक्ष्म उद्यम उन्नयन योजना की जानकारी किसानों को दी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग से आए डॉक्टर बी एल यादव ने दुधारू पशुओं पर केसीसी योजना के बारे में किसानों को जानकारी दी। आयुष विभाग से आए डॉक्टर अंतिम विश्वकर्मा ने भी विभाग के माध्यम से चलाई जा रही शान की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के पश्चात ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कैलाश सिंह ठाकुर द्वारा आमजन को 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर सरपंच श्रीमती रावी अग्रवाल, पूर्व सरपंच मदन लाल मालवी, चंपालाल श्रीवास, जिला नोडल अधिकारी राज नारायण सोनी, हरी प्रसाद गुर्जर एवं सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अशोक पंचोली ने किया व आभार सरपंच प्रतिनिधि रवि अग्रवाल ने माना। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से आरिफ कुरैसी की खास रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत गांव में भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग को जन कल्याणकारी योजना का फायदा मिलना चाहिए। जो छूट गए परिवार उनको भी मिलना चाहिए। हमारे मोदी जी का सपना है कि एक हमारा भारत समृद्धशाली बने, आगे बढ़े और विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ाए। अच्छा, इसमें कितने विभागों के स्टॉल लगाए गए थे? इसमें जनपद से आए सभी अधिकारी कर्मचारी सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए। आपका नाम? संतोष कांकड़े, जिला पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 16 मछवा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार,